जिज्ञासु बंधुओं, आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम यहां बैठे हैं, यहां उपस्थित हुए हैं, वो आगे की श्रृंखला को बढ़ाते हुए ही है। ऐसे पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने श्रवण किया कि देवता होते हैं, ईश्वर निराकार साकार क्या है, उसकी पूजा का क्या महत्व है। तो एक बात स्पष्ट हुई कि जो पूजा है, जो कर्मकांड है, जो पूजा पाठ है, वो किसके लिए होता है, वो किसको जाता है। इस संपूर्ण जगत भाव जगत है, इस संपूर्ण प्रकृति भावनाओं से बनी है, यहां भावनाओं का आदान प्रदान है, प्रसार है, विचारों के माध्यम से भावनाएं ही आती और जाती हैं, उन्हीं का आदान प्रदान होता है। देवता कौन है, देव कौन है, देव इस प्रकृति के ही अंग है, इस भाव सागर के ही अंग है। पूजा पाठ का जो विधान है उन देवों के लिए है, ना कि निराकार ईश्वर के लिए, ना कि निराकार ब्रह्म के लिए। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि पूजा पाठ देवों की होती है, ना कि ब्रह्म की। ये ध्यान रखें, जब भी आप किसी की पूजा करते हैं तो भाव जगत में करते हैं, भावनाओं का प्रसार करते हैं, इसलिए वो देवताओं के लिए ही संभव है, ब्रह्म के लिए नहीं। क्योंकि जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम निराकार ईश्वर कहते हैं, वो परे है, वो भावातीत है, वो विचारातीत है। अतः उसके लिए ये पूजा पाठ अगर कर भी दिया जाए तो उस ब्रह्म को भी हम एक देवता बना देंगे, एक देव बना देंगे, वो ब्रह्म नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो भावातीत है। आपकी भावनाएं, आपका ये पूजा, आप पूजा पाठ में जो भी नियम, जो भी विधि विधान का प्रयोग करते हैं, वो कभी भी उस ब्रह्म तक नहीं पहुंचता, वो देवों तक ही पहुंच सकता है। इसलिए इस तथ्य को समझना जरूरी है कि पूजा पाठ क्यों और पूजा पाठ है क्या। यद्यपि हम अपने इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं देवों का स्वरूप और ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो किस रूप में है, वास्तविक रूप क्या है ईश्वर का, ब्रह्म का, इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही सारी बातें बताई जा रही हैं। इसलिए पहले बताया गया निराकार साकार, देव देवता कौन होते हैं, ब्रह्म कौन है, मूर्ति पूजा का क्या महत्व है। तो जिस प्रकार से हमने सुना कि मूर्ति पूजा का महत्व है, इस भाव जगत में महत्व है जिस भाव जगत में हम रहते हैं। हमारा जीवन भावनाओं से चलता है, भावातीत होकर नहीं चलता। भावातीत तो ब्रह्म है, ईश्वर है। हम जब इस जीवन को सही से जीने की बात करते हैं तो वहां पर भावनाओं का संतुलन जरूरी है, प्रकृति का संतुलन अनिवार्य है, तभी जाकर आप एक सफल जीवन जी पाएंगे, एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। अन्यथा जीवन अनेक द्वंद्वों से भर जाएगा, असंतुलन से भर जाएगा। और ये जो कुछ भी है ये संतुलित, प्रकृति को संतुलित करने के लिए ही है, जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए ही है। इसलिए तरह के कर्म कांड या पूजा पाठ का निर्माण हुआ। लेकिन उसके प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो दृष्टिकोण लोगों का बदल गया। अगर कोई ये कहे कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे फल नहीं मिलता, तो उसके पीछे कारण यह है कि जो भी पूजा पाठ का नियम वो करता है, या तो गलत नियम का पालन करता है या फिर उसका दृष्टिकोण बहुत ही गलत है उस चीज के प्रति, उस पूजा के प्रति या उस देव के प्रति,
वो गलत उद्देश्य से पूजा कर बैठता है, उसकी सोच गलत हो जाती है, इसलिए उसे फल प्राप्त नहीं होता। वो प्राप्त कुछ और करना चाहता है और पूजा कुछ और कर देता है। जो संतुलन, जिस संतुलन को बनाने के लिए पूजा पाठ कर्म कांड के नियम और विधि विधान बनाए गए, अगर उस संतुलन को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है तो वो हमें इच्छित फल या वांछित फल देने वाला भी नहीं है। इसलिए इसको समझना आवश्यक है कि पूजा पाठ का क्या औचित्य है, क्या कारण है, क्यों किया जाता है। अगर आपने पीछे का वीडियो सुना होगा कि देव कौन है, देवता कौन होते हैं, किन्हें देवों की संज्ञा दी गई है, वेदों के अंदर कई प्रकार के देवों का वर्णन है, प्रकृति की शक्तियों का, वायु है, अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, द्यौ है, इंद्र है, वसु है, रुद्र है, विष्णु है, इस तरह से देवियों का भी वर्णन है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, वेदों के अंदर इन सब देवी देवताओं का वर्णन आता है। तो अब इनको दिया जाता है क्यों पूजा की, क्योंकि ये प्रकृति की शक्तियां हैं और इस संपूर्ण सृष्टि भावमय है। तो सबसे बड़ी शक्ति जो है वो भावनाओं की शक्ति है, ये ध्यान रखें। भावनाओं की शक्ति ही सब कुछ करती है इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है। कोई आदमी अमीर बनना चाहता है, अगर संपूर्ण भावनाओं की एकाग्रता से अमीर बनने का प्रयास करेगा तो निश्चित बन जाएगा। ये भावों की शक्ति। इसलिए जो भी पूजा पाठ है ये मात्र प्रकृति को संतुलित करने के लिए है। स्वयं की प्रकृति एक है, निजी प्रकृति, हम प्रकृति के साथ हमारा संबंध है, तो हम स्वयं को संतुलित रखने के लिए अपने चारों तरफ की प्रकृति को संतुलित रखें, वायु अग्नि इन सब के साथ हम अपना एक संबंध बनाए, भावनात्मक संबंध बनाए। भावनाएं निरर्थक नहीं होती, कल्पनाएं निरर्थक नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं अरे ये तो उन्होंने कल्पना कर लिया, लेकिन कल्पना, कल्पनाओं के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर अपनी कल्पनाओं को हम दिशा ना दें, अगर वो गलत दिशा पकड़ लें तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं, जीवन को दुखी कर सकती हैं, अशांत कर सकती हैं। अगर आपका नियंत्रण अपनी भावनाओं और कल्पनाओं पर नहीं है, तो अगर सही कल्पना है, सकारात्मक कल्पना है, भले वो चीज हो चाहे ना हो, अगर सकारात्मक कल्पना है तो वो जीवन में सकारात्मक परिणाम ही देंगे। कल्पना अगर गलत है तो फिर वो गलत परिणाम ही देंगे, गलत भावनाओं को ही हमारे मन के अंदर प्रेरित करेंगे, प्रेषित करेंगे, उनको गलत भावनाएं ही बढ़ाएंगे और वो गलत भावनाएं, वो असंतुलित भावनाएं हमारे जीवन को दुखी बना देंगे। इसलिए कह देना बहुत आसान है कि फलानी तो बात तो कल्पना है, लेकिन कल्पना अपने आप में अपनी ताकत रखती है, अपनी शक्ति रखती है। शायद मनुष्य मस्तिष्क की सबसे बड़ी शक्ति है कल्पना, अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए। और जब वो कल्पनाएं, वो भावनाएं एकाग्र हो जाती हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिल जाती हैं, तो चमत्कारी ढंग से वो कार्य करती हैं, चमत्कारी ढंग से। इसलिए कल्पनाएं और भावनाएं, यद्यपि तो हमने पहले कह दिया कि देवता कल्पना नहीं, उनका अस्तित्व है, लेकिन उनके कर्म कांड पूजा पाठ किए जाते हैं। तो पूजा पाठ है क्या? ब्रह्म की पूजा नहीं होती, फिर से रिपीट करके बता रहे हैं, उसका ध्यान होता है, साधना होती है, ध्यान होता है, अंतर्मुखी होने की एक विद्या है। मुख्य रूप से उस अंतर्मुखी होने की विद्या को ही समझाना हमारा उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से। लेकिन उसके पहले अब हम पूजा पाठ की चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। क्योंकि लोग बहुत कुछ जो नहीं समझना वो भी समझ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि परिणाम उनको वो मिल जाए जिस बात को समझने से मिलना चाहिए था, वो तो समझ में आया नहीं, समझना कुछ और शुरू कर दिया, तो परिणाम वैसा कहां से मिलेगा, रिजल्ट कहां से आएगा, फिर नहीं आएगा, तो समस्या यहां पर आ जाती है। इसलिए इस विषय को चर्चा किया जा रहा है। सारी बातों को बताते हुए उस अंतर्मुखी होने के विज्ञान पर हम आएंगे तो हम सही उद्देश्य को पकड़ेंगे।
तो पूजा पाठ, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, एक भावनाओं का प्रसार करते हैं। इसलिए पूजा के अंदर पवित्रता, प्रार्थना और अर्पण, ये तीन चीजें, पवित्रता, प्रार्थना और अर्पण। वैदिक पूजा पाठ कर्म कांड में पवित्रता सबसे पहले जरूरी है। आप पवित्र हो, स्नान किए हुए हो, स्वच्छ वस्त्र पहने हुए हो, तो जब भी हम कोई पूजा पाठ कर्म कांड शुरू करते हैं तो सबसे पहले पवित्रता का कार्य करते हैं, और उसके बाद प्रार्थना। प्रार्थना में हम आवाहन करते हैं, देवों का आवाहन, देवताओं का आवाहन करते, उन्हें प्रसन्न करते, उनका स्तुति करते हैं मंत्रों के द्वारा। वैदिक मंत्र आप जब पूजा पाठ में पढ़ते होंगे, कोई पंडित जी बैठे हैं, कोई वैदिक ब्राह्मण पूजा करवा रहे हैं, वो आपसे कर्म कांड करवा रहे हैं, तो वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले आपको पवित्र करने के लिए भी मंत्र है, फिर आवाहन के मंत्र है, देवों का आवाहन, देवों का स्तुति गान उसमें होता है, तो ये सब क्रियाएं होती हैं। और फिर अर्पण, पवित्रता, प्रार्थना और अर्पण। और पवित्रता के अंदर स्नान आदि क्रियाएं हैं, प्रार्थना के अंदर आह्वान आदि क्रिया है, आह्वान है देवों का, स्तुति है देवों की, और फिर प्रार्थना करने के बाद फिर अर्पण। अर्पण के अंदर बलिदान है, दान है, आप कुछ दान करते हैं, आप बलिदान करते हैं। इसलिए हवन, जो यज्ञ, जो अग्निहोत्र की जो क्रिया है, वो अर्पण की क्रिया है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, क्योंकि अग्नि को देवताओं का मुख बताया गया है वेदों के अंदर, इसलिए जो भी हम अग्नि के अंदर अर्पित करते हैं वो सब देवों को अर्पित होता है, क्योंकि अग्नि सूक्ष्म तत्व है, वायु से भी सूक्ष्म, स्थूल तत्व से, जड़ तत्व से भी सूक्ष्म, जल से भी सूक्ष्म है, वो उससे उनको अर्पित हो जाता है, वो सभी तत्वों को अर्पित होता है जाकर। इसलिए अग्नि को मुख कहा गया, इसलिए अग्निहोत्र की क्रिया, यज्ञ हवन की क्रियाएं शुरू हुई। तो पहले के जमाने में मूर्तियां नहीं हुआ करती थी, सत्य बात है, बाद में अभी मूर्ति पूजा आ गई और अग्निहोत्र खत्म तो नहीं हुआ। आप नवरात्रों में भी देख ले, दुर्गा जी की लोग मूर्ति लगाते हैं, लेकिन साथ में हवन यज्ञ भी करते हैं अंत में, लेकिन कुछ कम हो गया है। फिर भी पहले अग्निहोत्र का प्रचलन ज्यादा था, और अग्निहोत्र के माध्यम से फिर भावनाओं ने, आप अग्निहोत्र के माध्यम से भी भावनाएं अर्पित कर रहे हैं, मूर्ति के सामने भी भावनाएं अर्पित कर रहे हैं, ये अलग बात है कि इसका, इसको माध्यम बनाकर लोग धन एकत्र करना प्रारंभ कर देते हैं, वो एक अलग विषय है, वो पाखंड का विषय है, इसकी ये पाखंड का आधार बन जाता है। लेकिन वास्तव में ये जो क्रियाएं, जो कर्मकांड की क्रियाएं हैं, जो पूजा पाठ की जो क्रियाएं जो प्रारंभ हुई, वो कोई पाखंड के लिए नहीं, वो तो प्रकृति को संतुलित करने के लिए हुई, स्वयं की प्रकृति और बाह्य प्रकृति, अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति। जहां प्रकृति की बात आ गई वहां पर भाव जगत हो गया, चाहे वो अंदर के विचार हो, अंदर की भावनाएं हो, या वो बाहरी हो, क्योंकि प्रत्येक बाहरी वस्तु भी अपने अंदर एक भावनाओं को लिए हुए, भावनाओं को एकत्र किए हुए और भावनाओं को प्रतिबिंबित भी करते रहते हैं प्रत्येक वस्तु। इसलिए ये समझने का विषय है। और ये जो पूजा पाठ, इस प्रकार की जो कर्म कांड है, पवित्रता, प्रार्थना और अर्पण, अर्पण अर्थात दान, बलिदान अंत में करना, ये अगर आप विश्व इतिहास को पढ़ेंगे, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, लगभग पूरे विश्व में ये क्रियाएं चलती थी। पूरे विश्व के अंदर देवताओं की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, हम वायु देव कहते हैं, पवन देव कहते हैं। अगर आप यूरोप में जाएंगे, नॉर्थ यूरोप, नॉर्वे, उस तरफ अगर आप जाते हैं, उन देश स्वीडन और नॉर्वे, इन देशों की तरफ, इंग्लैंड की तरफ, जो पुरानी प्रथाएं थी वहां पर क्या थी पूजा की, वहां पर ऑडिन, रॉथ, ऑडिन मृत्यु का देवता था, रॉथ वायु देव था, पवन देव था, इन सब की पूजा होती थी। तो इस प्रकार से अलग अलग कई जगहों तक एक ही जैसे नाम मिलते हैं। यूनान की संस्कृति में, लगभग वेदों में जो नाम देवताओं के लिए इस्तेमाल किए गए वो काफी कुछ उनसे मिलते हैं, और पर्सिया, ईरान, इराक के अंदर भी जब देवताओं की पूजा होती थी, तो प्रकृति को संतुलित करने के लिए वास्तव में ये प्रारंभ हुआ। आप अपनी भावनाओं को अर्पित करें प्रकृति के प्रति, अर्पित करें, और जिन वस्तुओं से, अब जब अर्पण होता था, सैक्रिफाइस,
बलिदान भी उसी के अंदर आता है। तो पशु बलि देने की प्रथा बीच में शुरू होगी। वास्तव में अर्पण उन वस्तुओं का अर्पण जिनसे आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है। इसलिए हमने वस्त्र अर्पण किए, अन्न अर्पण किए, जल अर्पण किए। आप हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ नित्य जो गृह प्रवेश आदि ब्याह या अन्य उसमें जो चलता है, आपसे अर्पण वस्त्र अर्पण करवाया जाता है देवों को। पंचदेव की पूजन हो रही है। पंचदेवता मुख्य रूप से सूर्य, गणेश जी और ब्रह्मा विष्णु, माफ कीजिएगा, विष्णु और महेश और देवी आद्याशक्ति। पंच पूजन में सूर्य, गणेश, गणपति, आद्याशक्ति, महेश, रुद्र और विष्णु की पूजा होती है। पंच पूजन करते हैं, प्रथम पूजनीय स्वयं गणेश। तो इस प्रकार से ये पूजा है, किस देवी की पूजा में क्या चढ़ता है ये अलग विषय, लेकिन पूजा का जो अंग है वो है पवित्रता, प्रार्थना, प्रार्थना के अंदर आह्वान और स्तुति आ जाता है, और अर्पण, अर्पण फिर सैक्रिफाइस, अर्पण करते हैं हम कुछ ना कुछ उसमें। अग्निहोत्र में हम जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो वो भी अर्पण है, हमने देवता को अग्निहोत्र किया, उसे दिया, उन वस्तुओं को दिया, अन्न दिया, जिन वस्तुओं, जिन स्थानों में जो वस्तुओं का प्रचलन है वही वस्तु, क्योंकि उससे भावनाएं जुड़ी हुई। जहां लोग चावल ज्यादा खाते हैं वहां पर चावल का प्रयोग ज्यादा हो जाएगा, जहां गेहूं का प्रयोग कहीं ज्यादा हो जाएगा, जहां पर जिन वस्तुओं से जो हम ग्रहण करते हैं, हम वस्त्र ग्रहण करते हैं, हमारी भावनाएं वस्त्र से जुड़ी हैं तो वस्त्र का दान, अगर हम अन्न ग्रहण करते हैं तो अन्न का दान, अन्न का अर्पण करना। तो ये अर्पण, ये पूजा इस विधि से होती है, और ये किस लिए होती है, एक सकारात्मक भावनाओं का प्रसार। पहले कहते थे कि यज्ञ किया गया, हवन किया गया, बारिश हो, सही मंत्रों से, मंत्रों का किया क्या इसमें भूमिका है, मंत्रों की भूमिका यह है कि वो आपको उस भावनाओं को प्रेषित करने में, उन भावनाओं को फैलाने में जो है वो सहायक होते हैं, इसलिए वो काम कर जाते हैं, सहायक होते हैं, सहायक सही तरीके से सहायक होते हैं, एकाग्रता को बढ़ा देते हैं, और जब भावनाएं एकाग्र होती हैं तो कुछ भी प्राप्त कर सकती हैं। तो मंत्रों की ये शक्ति है, मंत्रों का ये के प्रयोग के पीछे ये कारण है। तो प्रकृति को संतुलित करने के लिए, मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, मनुष्य जीवन को और बेहतर बनाने के लिए इन कर्म कांडों और पूजा पाठ के नियम विधान बनाए गए कि मनुष्य कुछ दान करे, अपनी प्रकृति को संतुलित करे, इस संपूर्ण प्रकृति को धन्यवाद दे कि उसने हमें यह जीवन दिया है, हमें यह शरीर दिया है जो मुक्ति का साधन है, जो मोक्ष का साधन है, जो कल्याण का साधन है। इस उद्देश्य से पूजा पाठ की शुरुआत हुई, और इस संपूर्ण प्रकृति हमारे सहभागी हो, हमारे प्रति अनुकूल व्यवहार करे, अनुकूलता का की स्थापना हो जीवन में, इन सभी उद्देश्यों से पूजा पाठ कर्म कांड प्रारंभ हुआ। और ये किसके प्रति किया जाता है, देवों के प्रति। देवता कौन है, तो प्रकृति की शक्तियों को ही देव कहा गया है। किस प्रकार से, ये तो पिछले वीडियो में देवता कौन है वाली वीडियो में बताया गया। तो इसलिए इस प्रकार से पूजा के अंदर ये सब अंग है, पवित्रता है, प्रार्थना है और अर्पण है। लेकिन जब हम ब्रह्म की उपासना करते हैं, हम उस निराकार ब्रह्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन सभी कार्यों में, पूजा में, प्रार्थना में और अर्पण में भाव है। लेकिन जब आप उस निराकार ब्रह्म की ओर बढ़ने की बात करते हैं तो वो क्या है, वहां तो भावातीत हो जाता है, वहां तो भावनाओं और विचारों को खत्म करना है, निर्विचार की अवस्था को प्राप्त करना है। इसलिए इन तीन प्रक्रियाओं से, पूजा, प्रार्थना और अर्पण, जो भी क्रिया गुजरती हो दुनिया में कहीं, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, किसी भी मत मतांतर में अगर वो इन तीन प्रक्रियाओं से अगर कोई भी कार्य गुजर रहा है तो वो पूजा है, सीधी सी बात। अब आप कहोगे नहीं, वहां तो दूसरा धर्म है, ईसाई धर्म है, तो वहां भी तीन क्रियाएं चलती, इस्लाम की बात करेंगे वहां भी चलता है, क्या, पवित्रता, प्रार्थना और अर्पण, किसी अन्य रूप में हो रहा हो, अग्निहोत्र की तरह ना हो रहा हो, ये हो सकता है, लेकिन पूजा ही ठीक, जहां आह्वान हो रहा है, जहां स्तुति हो रहा है, और जहां पर अर्पण, कुर्बानी देना जिसको बोलते हैं,
ठीक, तो आप पूजा ही कर रहे हैं भाई, तो ये समझने वाली बात है, क्रियाएं तो वही है। लेकिन जो ब्रह्म है, भारतीय दर्शन की एक विशेषता है, इस धर्म की एक विशेषता है कि यहां ब्रह्म की उपासना की बात हो रही है। उसके लिए, उस तक पहुंचने के लिए ये कर्म कांड सहायक अवश्य है, इसमें कोई संशय नहीं कि सहायक नहीं है, ये सहायक है, लेकिन इनसे वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, इनसे उस भावातीत अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बस यही है, यही इसमें रहस्य है। तो पूजा पाठ, कर्मकांड, भारतीय दर्शन के अंदर मीमांसा दर्शन में, पूर्व मीमांसा में संपूर्ण कर्मकांड और मंत्र के महत्व का वर्णन वहां पर मिलता है। यद्यपि कई लोग कह रहे थे कि पूजा पाठ है लेकिन आप ध्यान के बारे में बताएं, ये सब क्यों बताया जा रहा है, ध्यान के बारे में ही हमारा उद्देश्य है आपको बताना, वास्तविक ध्यान। लेकिन आजकल ध्यान के नाम पर बहुत कुछ है, लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, देश में कई संस्थाएं हैं, गुरु हैं, संत लोग हैं, वो बता रहे हैं ध्यान, उनके पीछे उनके कई अनुयाय हैं, उनको लग रहा है कि वो ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान है नहीं। दो शब्द है, ध्यान और एकाग्रता, दोनों में बहुत फर्क है। एकाग्रता एक अलग चीज है और ध्यान अलग चीज, लेकिन हम एक ही समझ लेते हैं, एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान का अंग्रेजी भाषा में कोई ट्रांसलेशन नहीं। पतंजलि ने जिसे ध्यान कहा है, इसलिए आगे हम षट दर्शन पर चर्चा करेंगे, अभी ध्यान पर नहीं आएंगे, षट दर्शन पर मीमांसा, वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, इन सभी दर्शनों पर, न्याय और फिर सांख्य, फिर योग, योग दर्शन पर जब हम अंत में आएंगे तो फिर वहां पर अच्छे से ध्यान, साधना और अंतर्मुखी होने के विज्ञान की चर्चा होगी। लेकिन तब तक इन दर्शनों को बारे में हम समझे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, जब हम इनको समझेंगे तो हमें ध्यान और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मंत्र जाप करना ध्यान हो जाए तो फिर पूजा पाठ किसे कहेंगे आप, स्तुति किसे कहेंगे आप। इसलिए इस तथ्य को समझना है कि क्यों पूजा पाठ, आज जो बात बताई गई कि पूजा पाठ सहायक हो सकता है उस ब्रह्म तक पहुंचने में, लेकिन यह हमें पहुंचा देगा ऐसा नहीं। कई चीजें सहायक हो सकती हैं, आगे और भी उसमें कई चीजें जो सहायक हो सकती हैं, तो उनको समझना है। जब हम सारी बात को समझेंगे तो हमें ध्यान समझ में आएगा, योग समझ में आएगा, योग क्या, नहीं तो किसी भी बात को हम योग कह देते हैं, किसी भी हम बात को हम पूजा मान लेते हैं, किसी भी बात को ध्यान कह देते हैं, और लोग ध्यान कर रहे हैं लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा, वास्तव में जो ध्यान में मिलना चाहिए, इसीलिए ध्यान करके भी मन अशांत है क्योंकि सही तरीके से ध्यान नहीं कर रहे। वास्तव में जिस प्रकार से हमारे शास्त्र ध्यान के बारे में लिखते और समझाते हैं वैसा ध्यान नहीं हो पा रहा है, ध्यान भी। इसलिए जब हमें समझ में आ जाएगा ना कि वास्तव में पूजा पाठ क्या होता है, तो फिर ध्यान को समझने में हमें, क्योंकि जैसे ही उसमें पूजा पाठ घुसेगा तो हम समझ जाएंगे अरे ये तो पूजा पाठ का अंग हो गया, ये तो योग नहीं हुआ, ये तो ध्यान नहीं हुआ, हमें समझ में आ जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें पहले बताई जाए ताकि अंतर्मुखी होने का जो विज्ञान है वो सही से समझ में आ जाए। बस इसी के साथ अभी विचारों को विराम देंगे, वीडियो काफी दिन बाद अपलोड हो रही है लेकिन आगे इसकी बारंबारता बढ़ाई जाएगी, कोशिश किया जाएगा जल्द से जल्द दूसरा वीडियो आए और जल्द से जल्द आपको सूचनाएं मिले। काफी लंबा समय लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ काफी देर देर पर आती है, हमें इंतजार रहता है कि भाई दूसरी वीडियो जो आपने जानकारी दी है वो हमें प्राप्त हो। तो अब हम षट दर्शन की ओर क्यों जाएंगे, इसके पीछे भी कारण है, ये ऐसा नहीं कि षट दर्शन के बारे में बताना है, ध्यान को समझने के लिए, योग को समझने के लिए। जब षट दर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये संपूर्ण सनातन धर्म है क्या, बहुत बढ़िया समझ में आएगा फिर। इसलिए उस षट दर्शन के विषय को हम प्रारंभ करेंगे और उसमें कई वीडियोस उसमें अपलोड होंगे, फिर जाकर हम जब योग दर्शन आखिरी में पांच दर्शनों का वर्णन करने के बाद, व्याख्यान देने के बाद आखिरी में योग के ऊपर हम आएंगे। हम पूरी तरह से आपको नहीं बताएंगे लेकिन उसमें जो ईश्वर संबंधी बातें हैं, जो उपासना संबंधी जो बातें हैं, उन तथ्यों को जरूर
चर्चा किया जाएगा, उन्हीं तत्वों पर ज्यादा फोकस होगा, ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो आइए इसी के साथ अभी इन विचारों को विराम देते हैं। आप खुद भी जानें, दूसरों को भी जोड़ें, बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोग समझ पाए, जान पाए और अपने संशय को दूर पाए कर पाए, पाखंड से दूर हो पाए, आडंबर से दूर हो पाए। पहले तो समझे कि पाखंड क्या है, आडंबर क्या है। पूजा पाठ कोई पाखंड नहीं है, आडंबर ना। हाँ, कोई गलत तरीके से करे तो वो आडंबर हो जाता, वो एक अलग विषय है। आप किसी भी काम को गलत तरीके से करें तो आडंबर हो जाएगा। आप राजनीति गलत तरीके से